शहर उकाड़े पहुंच गया लेकिन आंदे सारे सानू एक रोला बन गया। ट्रैक्टर वाला साडे नाल सी, ट्रैक्टर सी, बंदा थोड़ा जान जान है शहर दा, इतना ज्यादा वाकिफ नहीं है रोड दा। ते असी पिछले अद्धे घंटे तो उन्होंने लभी जा रहे हैं, जाना असी किते होर ते सी लभदे सी उन्होंने किसी होर जगह तो पे आ ए जी ट्रैक्टर ते ओ पर ड्राइवर बैठा। तू चंगी कीती अज साडे नाल है, दस्या नहीं तो तू थोड़ा जा आउट होया, तू किलोमीटर ते खलो जा जाके। मैं दो त्रो जाके फोन कराया होया नहीं पूरा आधा घंटा रोला पिया, और जेड़ा मालिक सी ना ट्रैक्टर दा ओदी उडर गईयां सी, उन्हें कहा आज ट्रैक्टर गया। खाना जेड़ा ने जी साडा आ गया वा, तीन डिशां सी मंगाईयां ने, बच्चे भी साडे नाल ने, भाई होरी भी नाल ने, है बच्चा भी नाल है, कुछ नहीं होंदा तैनूं भी। मिस्त्री नूं मिल लिया जी, उस तो बाद फिर आके ना भाई रियाज कोल बह गया थोड़ी देर वास्ते, ते हुण चला वा घर, लेकिन थानू तफसीलात जेड़ी है ना घर जाके दसूंगा। पुत्तर मेरा वड्डा हो सी, मेरा वड्डा हो के ए मेरा फखर बन सी। अस्सलाम वालेकुम, परवत कर दिया नमता बरकतां दे नमता नाल अज दी वीडियो दा आगाज करने आ जी। मैं जा रहा वा सुबह सुबह शहर, किसे दे नाल जाना वा इस वजह तू सुबह सुबह जड़ा ना, उन्होंने आख्या सी कि यार आ जा चलिए, मैं आख्या चलो हो आने। फैजा दी जड़ी ड्यूटी मेरी है जी, वो तो फिर सुबह सुबह मैं अपनी पूरी करके जाना सी, इस वजह तू सुबह सुबह मैं फैजा नूं चुकिया होया, बच्चे चले गए स्कूल, और बेगम साहिबा जड़ी है वो समान समेट दी भी जड़ा चुल्हे ते, उन्हें हुण नाश्ता कराया बच्चे नूं, और नाश्ता करा के वो सारा पीढ़ियां और बर्तन जड़े ना उत्थे रख के आ गई, बर्तन धोएगी हुण, ते हुण लकड़ा वगैरह जड़ी है ना जी सारियां चुक लो। कोई मसला नहीं आंदा पिया, मेनू कोई प्रॉब्लम नहीं होंदी पई, मेनू कोई समस्या भी नहीं आंदा पिया है। पक्का पीड़ा बने खला, तू हसना कोई ना, तू हसना की कोई ना, अच्छा तू हसना कोई नहीं, अज तू अज हसना कोई नहीं, तू मेरे छोने जे पुत्र ने हसना कोई नहीं है। हां जी, वो कौन आया बाहर, चूजे वाला आ गया, चूजे वाला बाहर आ गया, अब इसको क्या करना, इसको क्या करना है, ये चार्जर है, इसको क्या करेंगे अब, ना मुंह में नहीं डालते, ना मुंह में नहीं डालते बेटे जी, हाँ जी जी बिच, हाँ हाँ ओए मेरे मुंह में भी नहीं डालना, मैंने भी मुंह में नहीं डालना, ये मुंह में डालने वाली कोई चीज है, ये कोई मुंह में डालने वाली चीज है, ये मुंह में डालने वाली चीज नहीं होती, नहीं होती मुंह में डालने वाली चीज बेटा, नहीं होती नहीं होती नहीं होती नहीं होती नहीं होती। मैं जी उत्थे पहुंच गया वहां, गड्डी है वो सामने खलोती है, बंदा भी सामने बैठा, मैं अगे चल के विखाना वा तुहानू, गड्डी च बह गया जी, और गर्मी जड़ी है ना हुण नाली बड़ी लगन लग पई है, बहरहाल जाना तो फिर हुण है। हाँ जी चलिए चलिए, असि शहर उकाड़े पहुंच गया लेकिन आंदे सारे सानू एक रोला बन गया। ट्रैक्टर वाला साडे नाल सी, ट्रैक्टर सी, बंदा थोड़ा जान जान है शहर दा, इतना ज्यादा वाकिफ नहीं है रोड दा, ते असि पिछले अद्धे घंटे तो उन्होंने लभी जा रहे हैं, जाना असि किते होर ते सी लभदे सी उन्होंने किसी होर जगह तो पे आ, अद्धा पौना घंटा हो गया हुण उन्हें सानू फोन किया किसी बंदे को लेके कि मैं फलानी जगह ते खड़ा, और तकरीबन आउटसाइड जाके ना
जरा ना तकरीबन 10 किलोमीटर से जाके उन्हें जाके ब्रेक मारी है, फिर उन्हें किसी को फोन लैके फिर उन्हें सू फोन किया, फिर असं वो पिछे गए हैं। मोबाइल जरा ना ओवर हीटिंग की वजह तो फिर ऑन नहीं हों पा, जिदी वजह तो फिर मैं कोई भी क्लिप जरा ना बना नहीं सकता क्योंकि कैमरा ऑन ही नहीं हों पा। हूँ भी थोड़ा जहा थले आके बैठे रहे हूँ उत्ते आया वा, फिर जरा ना मैं थोड़े ना फोन पर गल करता पाया वीडियो बनाता पाया। हूँ अभी जरा ना ट्रैक्टर लैके आए हैं, वो वाला ट्रैक्टर जरा ना वो थले खड़ा, मैं थोड़ा थले लैके चलू। है जी ट्रैक्टर उपर ड्राइवर बैठा, तू चंगी की दस्या नहीं तो मुड़ तू थोड़ा जा आउट हो तू किलोमीटर ते खलो जा जाके पूरा अद्धा घंटा रोला पिया। और जरा मालिक सी ना ट्रैक्टर दा ओदी उडर गया सी, उन्हें कहा आज ट्रैक्टर गया क्योंकि हाले दा नंबर शंबर भी नहीं ना लगा होया। ट्रैक्टर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ। ਯਾਰ ਉਧਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਰਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਦਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਖਾਲਫ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਰਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਸੈਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ, 3 ਡਿਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੌ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ट्रैक्टर जड़ा ना जी साडा हो गया तैयार सारा, रियाज में सारा काम मुकम्मल हो गया तेरा, ओके हो गया सब कुछ, ट्रैक्टर जड़ा ना जी सारा हो गया मुकम्मल। हुण उधर पूछने हैं भी होर भी कोई काम है शहर के जाना वा सीधा राज साहब, हुण सीधा घर के होर कोई काम है जी, घर जाना सीधा घर ही हां। चलो यासीन साहब ने जिन्होंने ट्रैक्टर जड़ा ना साडा बरामद किया माशाल्लाह, और बहुत ही मंजे हुए ते बहुत ही पुराने जड़े ना मकैनिक है, बहुत पुराना कारीगर हां। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਉਕਾੜੋ ਜੜਾ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਬਾਈ, ਚਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੋਟਲਿੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਰਹਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਾ, ਔਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਤਰੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ, ਹੋਰ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਟਰੈਕਟਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਯਾਰ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਸੁਬਾ ਖੈਰ ਜੀ, ਕੁਛ ਤਬੀਅਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ,
जिस वजह तू फिर एक होर मिस्त्री है उहदे नाल राबता करके ना दे इंशाल्लाह मैं उहदे नाल डिस्कस करन लगा वां कि वह सारा जिहड़ा ना काम शाम करवा लीए ताकि नीयां शीयां जिहड़ियां ना वह हो जावन। तबीयत कुछ हुण बेहतर होई है, सिर दी दर्द जिहड़ी ना सारी रात नहीं खत्म हुई और हुण भी आ के ना हाले भी थोड़ी थोड़ी नीमी नीमी सिर नूं दर्द है, मेरे दी प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आंदा तू कोई भी इस तरह की चीज़ जिहड़ी ना ली जाए। और दूसरे नंबर से नज़र की भी जी प्रॉब्लम बनी खड़ी है मैनू, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरा मोबाइल की स्क्रीन पर जड़ा ना वो गुजरता पै, मोबाइल की स्क्रीन इस वजह तो ज़्यादा गुजरता पै क्योंकि अपने दो विलॉग बल्कि तीन विलॉग अपने जड़े ना वो एडिट करने होंगे ने। एक विलॉग बिलाल का एडिट करना होंगे, चार चार विलॉग एडिट करने होंगे ने, उसको बाद का भी काम काफ़ी सारा ज़्यादा होंगे, थंबनेल देना होंगे, टाइटल सारा करना और उसके बाद फिर कॉमेंट्स रीड करने, मतलब सारा सारा 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे को तकरीबन 16 तो 17 घंटे जड़े ना उस स्क्रीन के अंदर ही नज़र होंगी। इस वजह तो भी मेरी नज़र भी जी ना वो थोड़ी जी मेरे मन लगता है कि मेरी नज़र भी जी ना वह भी प्रॉब्लम है, जिदी वजह तो मेरे सिर में दर्द जी ना वो अक्सर रही है। तो मैं डॉक्टर नाल भी मशवरा करना और अपनी नज़र चेक करवानी है, नज़दीक बिल्कुल मेरी नज़र जी ना वो काम नहीं करती, मैं मोबाइल इतने इन्ना फासला करके ना मैं वेखना पैंता तो मैं नज़र आता, अगर इतने करा तो मैं लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह तो मैं डॉक्टर नाल भी राबता करना, इंशाल्लाह शहर जाने किसी दिन अज जावा या फिर कल चला जावा नज़र चेक करवा के ना, तो कोशिश करा कि जी ना एनक लवा लवा ताकि मजीद खराब होने तो बच जावा, यह ना हो कल ज़्यादा खराब भी हो जाए तो फिर उस तो बाद फिर मैं मतलब है कोई बहुत ज़्यादा कोई व्डे नंबर की जी कोई एनक लगे। लेकिन इस तो पहला कि मैं हमने ही इस चीज़ को कवर करा, यह काम तो इस तरह का है, ये नज़र तो मैं रखनी पैनी है, नज़र लानी भी पैनी है, सब कुछ करना पैना, लेकिन यह एहतियात जी है ना ये बहुत जरूरी है। फायदा जी है जी मेरी गोदी जो बढ़ के खेलती पी है क्योंकि यदि अम्मी जी है ना हाले कुछ मसरूफ आई इस वजह तो उन्होंने कहा है कि जरा फायदा ना दो मिनट तुम जो मैं आ रही हूँ तो फिर तुम जाना वरना इन्हें रोन लग पैना क्योंकि ऐसा कॉल चुप नहीं कर रही है, ऐसा कॉल चुप नहीं ना करती भी तू है ना, है ना, है ये कौन है, ये आप ही है आपकी, ये बड़ी आप ही है आपकी। फायजा बीबी जी है ना जी वो खेडे खेडे बनाई जा रही है और अम्मी हुंदी जी है ना उसके वास्ते नाश्ता तैयार करती पी है। दूसरा नाश्ता है ना तेरा? हाँ जी दूसरा नाश्ता है जी, ये दूसरी बार का खाना खा रही है। और बिल बतौड़ी साहब आ बेटा इधर आओ, इधर आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ, ये खोलो मुँह, ये थोड़ा थोड़ा खोलो, ये वाला दांत कल चूहा ले गया, नीचे वाला दांत पहले ले गया था वो तो आ गया अभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब ये वाला दांत भी चूहा ले गया। और चलो बेटा ये देखो ना आप चोटे लगवा लेते हो, ठीक है, आपने अपने चेहरे को बिगाड़ दिया हुआ है, चलो उठो ये ना बाल दोबारा से संवारो और दोबारा से पोनी करो, ये अच्छा लगता है बेटे, हैं उठो बेटा बेटा। अच्छा जी बेगम साहिबा मैं हूँ जाना पा मिस्त्री हल्ले, दुआ करके वो ठीक ठीक जड़ा ना वो खर्चा दसे तो नीयत बन जाए तो अगर जड़ा ना हिम्मत करके तो लग पवी है। हाँ क्योंकि ये थोड़े थोड़े जिमें भी हैं ना नाल नाल लाई रखी है ना तो वो कुछ आसानी रहेगी, तो नीयां शीयां जावन हो उस तो बाद फिर इंशाल्लाह अगर जड़ा ना वो फिर वेखांगे उत्ते दा काम तो उतला फिर बाद च विकसा वो फिर कुछ चार दिन ठहर के ना कट्ठे करके कोई आसे पासे को बहना बाइया को फद पता के को मोह के है ते कोई किसी के बोझे शोझे जड़े इन्ना फरोल के तो वह इंशाल्लाह फिर कर ली सर। हाँ मदद करेगा, बाय 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 बाय, वेरी गुड बेटा। तुसी भी दुआ करो जी, एस्टीमेट मैं ते अगे भी लवाया सी लेकिन वह भी और अज दे मिस्त्री का भी एस्टीमेट जड़ा ना वह भी लगवाना है। इट्टा वाले नूं मैं कल पुछया सी रेट, उन्हें मैंने दसिया इट्टा वाले ने वह भी उन्होंने दसांगे और इट भी उन्हें पुछांगे भी किन्नी लगनी है, सारा एस्टीमेट वगैरह जड़ा ना लैके ना तो सारा एक हिसाब किताब एक बजट बना के ना तो फिर लगेंगे। ये ना हो कि मतलब खर्चा ज़्यादा होना हो मेरी जेब थोड़े होवन मैं उत्थे लग पवां तो रस्ते फिर जड़ा ना वो रुकना पै जाए और काम मुकम्मल ना हो। मैं कहना कि नीयां वाला काम जड़ा ना बुनियादा वाला काम डैम्पा तिकर जड़ा ना वो मैं मुकम्मल करके तो फिर बस करा और उस तो बाद फिर इंशाल्लाह जो उत्ते पावे ना तो फिर उस तो उत्ते फिर जो कट्ठे पैसे बन गए क्योंकि मैं लैंडर पाना वा लैंडर पा के तो मतलब मुकम्मल करना वा वो इस तरह फिर करेंगे। लैंडर तक तो मैं अपना खर्चा जड़ा ना वो बना के बजट बना के तो फिर लगना बाकी फिर प्लस्तर तो बाकी सैटिंगा वैटिंगा वास्ते चलो बंदा फिर भी रुक जाता, लेकिन यही करना कि छत्तों तक ले जाके अद्धे करके छड़ देंगे लैंडर बाद पावे, नहीं लैंडर करके छड़ा और उस तो बाद फिर अंदर वाला सारा काम जड़ा ना वो पावे फिर बाद करा क्योंकि इस तरह ही होना है यकदम तो होना भी नहीं।
मिस्त्री नु मिल लिया जी। उस तो बाद फिर आके ना बैरियाज कोल बह गया थोड़ी देर वास्ते, ते हुण चला वा घर। लेकिन थानू तफसीलात जड़ी है ना घर जाके दसना। मोटरसाइकिल च ना जी पेट्रोल पवाया है और हुण जा रहा वा घर। मिस्त्री ने मैनू आख्या है कि 3 लाख रुपया जड़ा है ना वो तेरा खर्चा हो जाना। 3 लाख रुपया अपनी जेब च रखना है और फिर आप कम जड़ा है ना वो शुरू करना है। ते बाकी केड़ी केड़ी शह कित्थे कित्थे लगनी है, केड़े पैसे मतलब केड़ी चीज दे किन्ने पैसे ने और की चाहिए की जरूरत है वो मैं तुहानू अग्गे घर जाके दसना। मैं कोई रोड ते फिर इन्ने ज्यादा जड़ी है ना गलबात नहीं की जा सकती। रस्ते चू जड़ा ना जी चटनी का समान भी ले लिया जिंदे विच दही है, पुदीना है, सावी मिर्चा ने, धनिया है, टमाटर है और खीरा भी नाल ले लिया कट के खावांगे। अलहमदुल्ला जी घर में पहुंच गया जी। देने बेगम नू और सब तो पहले उन्होंने कहने की सानू बना के दो चटनी। पर्दे के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे कौन बैठा हुआ है? ओ जाते माने वो इधर आ जाओ, इधर जूते पड़े हो ना, इधर आ जाओ मेरी तरफ आ जाओ, आ जाओ फौरन से पहले आ जाओ। ये लो बना यार मिनट मारो, आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बेगम साहबा कह रही है कि तंदूर तू रोटियां लवा के लियाओ, मेरे को तंदूरी ते रोटियां आप नहीं लगदियां। बेगम साहबा इन्ना जल्दी हले तिकर इन्ना चीजा ते असि नहीं आना। ओ वैजन उरे बुला ला, मैं घर तंदूरी होई ते ला लवांगी, मैं इतनी मुड़खले जाके लगदी रोटियां। हुन मुड़खले हुन मेरी गल सुन, चलो भेजो ना तंदूर ते भेजो रोटियां वास्ते भेजो। जाओ पैसे मैं देना वा जरूर, लवा लो रोटियां मेनू नहीं की मसला। मेरे लिए नहीं आई है तू बहुत माना बिल्ला बनिया जाना, माना बिल्ला बनिया जाना, माना बिल्ला। अच्छा जी रोटी जड़ी है ना हवाले पकवान वाली है, रोटी पकवाई जाएगी। वेखो हुण तंदूर तू लगदी है या लगदी है इथो किसी तंदूरी तू। तंदूरी तो मुराद है भी किसी के घर तंदूरी लगी होगी तो जाके बालन पावांगे ना तो ला लांगे। पिंडा च ये चीजा चलदियां ने, जेडे पिंड च रहण वाले ने या जेडे पिंडा च उठ के शहरां च गए उन्हां नूं पता वा, लेकिन जेडे शहरां च रहण वाले ने उन्हां नूं तो शायद इस चीज का ना अंदाजा होवे। ते फिलहाल जी वेखने आ कि हुण तंदूर तों रोटियां लवाने आ कि चटनी का समान मैं लै आंदा सी बेगम नूं दित्ता, उह कुट के चटनी बना दिंदी ते उस तों बाद फिर खाना खावांगे। कल तक जाके ना अपना जेड़ा ना अखां दा ट्रीटमेंट जेड़ा है ना ये मैं करवाना वा जरूर, क्योंकि मेरी इन्हों की वजह तो ज्यादा जी दर्द रही है। मिलना तुम अगली वीडियो जो जिक्र सफदर सैन की पूरी फैमिली दो इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआवा याद रखना है। पंडा बन बन प्यार अल्लाह हाफिज़।